अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 46 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज ब्लेंड कर्व कमांड, आप ब्लेंड कर्व कमांड को कैसे यूज करते हैं एंड पर्पज ऑफ ब्लेंड कर्व कमांड और इसका फायदा क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने मतलब कि इससे पहले वाले लेसन में हमने जो है तो कुछ कमांड की थी जिसे हम चैम्फर एंड फिलेट कमांड कहते हैं। चैम्फर फिलेट कमांड से के साथ ही हमारे पास ब्लेंड कर्व कमांड होती है जो कि आपके किसी भी स्पेल लाइन ऑब्जेक्ट को उसके कॉर्नर को जोड़ने में मदद देती है, तो होती है ब्लेंड कर्व कमांड। तो उसके यूजर्स देखते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। तो आप देखें तो आपको यहाँ पे हमने चैम्फर फिलेट एंड चैम्फर कमांड ये दोनों की थी, लेकिन ब्लेंड कर्व कमांड हमारे पास रह गई थी। तो आज के लेसन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये इसका काम क्या और इस पर आप कैसे काम कर सकते हो। ओके, तो इसका फंक्शन ये होता है कि आप अगर कोई कॉर्नर जोड़ना चाहें अपने ऑब्जेक्ट के तो आप वो जोड़ सकते हैं ब्लेंड कर्व कमांड की मदद से। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेल लाइन के ऊपर अप्लाई करेगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप देखें जरा, ब्लेंड कर्व कमांड के ऊपर आप अपने पॉइंटर रख के देखें तो यहाँ पे आपको देखिए बता रहा है, नीचे कह रहा है क्रिएट अ टेंजेंट और स्मूथ स्पेल लाइन बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ टू ओपन कर्व्स। देखिए तो मीन ये सिर्फ स्पेल लाइन के लिए अप्लाई होगी। तो अब यहाँ से स्पेल लाइन ड्रॉ करने पहले ड्रॉ में जाता हूँ, पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, यूएन एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट लूँगा मैं, 0 फुट 0 इंच एंड ओके ओके। अब मैं स्पेल लाइन लेता हूँ, तो स्पेल लाइन की शॉर्ट कमांड है SPL, एंटर करेंगे हो जाएगा, या फिर ड्रॉ में आप जाएँ जाकर तो आप यहाँ पर देखें ये स्पेल लाइन है। ओके, तो शॉर्ट कमांड है SPL, आप एंटर करें SPL एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एक ही मैंने ले ली स्पेल लाइन, एक और आप स्पेल लाइन लें यहां पे। ओके, यूसीएस को ओरिजिन पॉइंट में ले जाता हूँ, यूसी एंटर, ओरिजिन पॉइंट से हटाता हूँ, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को खत्म किया मैंने, तो यहां पे हमारे पास यूसीएस आइकन आ गया। अब जो हमारे पास कमांड है ब्लेंड कर्व कमांड आपको यहाँ पे नजर आ रही है ब्लेंड कर्व कमांड, इसके अलावा इसकी शॉर्ट कमांड है वो है, आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएं तो मॉडिफाई में भी आपको यहाँ पे ब्लेंड कर्व का ऑप्शन दिया हुआ नजर आ रहा होगा आपको ब्लेंड कर्व। इसके अलावा इसकी शॉर्ट कमांड है BLE एंटर करेंगे तो आपके पास ब्लेंड का ऑप्शन आ जाएगा। ये ब्लेंड और ब्लेंड कर्व एक ही कमांड है, क्लिक करें इस पर। इसके फर्स्ट पॉइंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्लिक करें, सेकेंड को क्लिक करें, तो आप देखें इसे कॉर्नर आपस में जुड़ रहे हैं, आप देखें जरा, तो यहाँ पे आप देखें तो इससे कॉर्नर आपस में जुड़ रहे हैं, क्लिक कर दें, देखें हमारे पास कॉर्नर से आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे इसी तरह इसको आपने जोड़ना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें तो इसे कॉर्नर में जुड़ गए ब्लेंड कर्व कमांड की वजह से। इसको सिलेक्ट करके आप इसे आप यहाँ से आप मूव करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये जो कॉर्नर है ये देखें अलग है, मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गए, लेकिन इनको भी आप जोड़ना चाह रहे हैं तो पॉली एडिट कमांड की मदद से आप ये कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे देखें एडिट पॉली लाइन है और एडिट स्पेल लाइन है, क्लिक करें एडिट स्पेल लाइन पे और स्पेल लाइन को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लोज है ज्वाइन है, देखें ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। एग्जिट करता हूँ, ये पूरा का पूरा आपको स्पेल लाइन क्या हो गया जुड़ गया, आप देख सकते हैं। देखें ज़रा क्लिक करें आप, देखें सारी के सारी स्पेल लाइन आप क्या कर दिए आपने जोड़ दिए, तो आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये स्पेल लाइन, इस स्पेल लाइन के ऊपर और भी डिस्कस करते हैं। SPL एंटर करता हूँ मैं, देखता हूँ नॉर्मल जो कॉर्नर है उनको ये आपस में जोड़ेगी कि नहीं। सॉरी, SPL एंटर, अब इनको आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड कर्व कमांड पे क्लिक करें, देखें ये भी जुड़ गया, इन दोनों को देख जोड़ना चाह रहे हैं, देखते हैं ये जो जुड़ेंगे।
ओके, ये दोनों भी जोड़ने देखें, तो आप यहाँ से इस तरह जोड़ सकते हैं अपने इनके कॉर्नर, जोड़ सकते हैं आप। तो ये जी है स्पेल लाइन। अब इसमें देखें यहाँ पे ये अलग लाइन बन गई है, अब यहाँ से जो हमने जोड़ा था ये अलग लाइन बन गया। देखिए तो इन सबको जोड़ने के लिए आप वही कर सकते हैं, स्पेल लाइन एडिट कमांड यूज़ करें और उसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्पेल लाइन एडिट स्पेल लाइन पे क्लिक करें, सारे के सारे को सिलेक्ट करें और ज्वाइन पे क्लिक कर दें और सारे को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, तो देखें सारा का सारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो हमने इसके ऊपर डिस्कस किया भी था स्पेल लाइन एडिट के ऊपर। ओके, अब ये था हमारे पास स्पेल लाइन का ऑप्शन और इसको आप कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक आप इस लेसन को और इससे प्रीवियस जितने भी लेसन भी हमने काम किया सबके ऊपर डिस्कस करें, अच्छी तरह से काम करें ताकि आप अच्छे इसमें आप प्रोफेशनल या ऑटोकैड यूज़ कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।